और दोस्तों, जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार, बिल्कुल वही वाली खुशखबरी लेकर आ चुके हैं हम आपके द्वार। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि आज या कल में आपका जो परिणाम है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। सो फाइनली रुहेलखंड विश्वविद्यालय की तरफ से बीए फाइनल ईयर का आपका जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप अपना जो रिज़ल्ट है उसे किस तरह से और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते होंगे ये है रिज़ल्ट बीए फाइनल ईयर का, जो कि घोषित किया जा चुका है देर रात यूनिवर्सिटी की तरफ से। और फ्रेंड्स, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी अभियानों को इस बारे में पता चल सके। सबसे पहले आपको रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के इस रिजल्ट वाली वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट के बारे में पता ही होता है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, सबसे पहले रिजल्ट टाइप में यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है मेन एग्ज़ाम रिजल्ट, उसके बाद सीज़न में 2022-23 सिलेक्ट रहने देना है, उसके बाद सेमेस्टर की जगह आपको चूज़ कर लेना है एनुअल। के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्स को सिलेक्ट करना है, जो कि लास्ट ऑप्शन है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अभी देख लीजिए नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित किए गए होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ईयरली एग्ज़ाम के, बहुत सारे रिजल्ट इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। और आप देख लीजिए कल रात में ही ये जो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। आप देख सकते होंगे कल रात की ये डेट लिखी हुई आपको देखने के लिए मिल रही 24 अगस्त है। तो जितने भी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इस वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करेंगे, आपका जो भी रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, जिसकी हमने लिख दिया है। ये जो यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है, ये आपके सामने जितनी भी कैलकुलेशन आती है उसे कैलकुलेट करके आप इस वाले बॉक्स में इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है 10+13 तो होता है 23। तो उसके बाद अब आपको हमने यहाँ पर 23 लिख कर दिखा दिया। अब हम यहाँ गेट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप गेट पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए बताएगा, हम इसे डाउनलोड अगेन पर क्लिक करते हैं और ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है। चलिए इस रिजल्ट के यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये रिजल्ट अभी ओपन है, इस तरह से आप क्लिक करेंगे, कांट ओपन फाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये देख लीजिए ये रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा। अब ये रिजल्ट कैसे ओपन होगा वो भी तो हम आपको बता ही देंगे, इसीलिए तो आपको वीडियो के एंड तक कंप्लीट देखना पड़ता है। कई सारे स्टूडेंट्स भाग जाते हैं बीच में, फिर वो कमेंट मारते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब लिखा हुआ हम लिखकर आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे ओपन होगा। हम लिखकर आपको नहीं बताते, हम डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं आपको लाइव। अगर आपके मोबाइल में डायरेक्टली रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में आ जाना है, जहाँ पर फाइल्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स का, इस वाले ऑप्शन में अब आपको चले जाना है। डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। जो सबसे ऊपर की साइड में फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही, यानी कि फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को ही यहाँ से ओपन कर लेंगे, यही आपका रिजल्ट होगा। ये देख लीजिए बिल्कुल यही आपका रिजल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, इसी बात पर शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी भाई बहनों को पता चल सके कि बीए फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ पास हो चुके होंगे। सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अब पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लास्ट डेट है पीजी कोर्सेज में एडमिशन की, तो आज सभी स्टूडेंट्स आवेदन कर दीजिए। अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आज। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड कर सकती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।